टॉप सब्जी लेकर लौट रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर, युवक इलाहाबाद रेफर। प्रतापगढ़ आसपुर देवसारा थाना इलाके में विक्रमपट्टी गांव के निवासी अनिल कुमार सिंह उम्र 40 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय शारदा सिंह कल शाम अनिल कुमार सिंह अमरगढ़ सब्जी लेकर लगभग 8 बजे कल लौट रहे थे। शाम से घर से लगभग 300 मीटर दूर तालाब के पास पहले से अज्ञात बदमाश मौजूद थे, जिसे ही युवक तालाब के पास पहुंचा बदमाशों ने उन पर तबाहतोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 9 राउंड फायरिंग की, जिसमें 6 गोली स्कूटी में लगी और 3 गोली युवक को लगी। एक गोली कंधे पर, एक गोली पैर में, एक गोली कमर में लगी। घायल होकर युवक घटना स्थल पर ही गिर पड़े। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण घटना स्थल की तरफ पहुंचे और युवक को सर्वप्रथम अमरगढ़ सामुदायिक केंद्र ले जाया गया। वहां के डॉक्टर ने घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को प्रतापगढ़ से डॉक्टरों ने इलाहाबाद रेफर कर दिया। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने बताया पुरानी चुनावी रंजिश के चलते युवक के ऊपर हमला किया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार में अपराध रोकने का नाम नहीं ले रहा है, दिन के दिन अपराध बढ़ता ही जा रहा है। जिले के आला अधिकारी अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तीन आदमी रहे सर, मेरे को जानकारी के साथ गाड़ी आपका नाम थाना गांव आपके पति का क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। ये मामला क्या है जो रात में गोलीकांड हुआ है? पुरानी प्रधानी रंजिश है, उसमें पता नहीं कौन मारा इसको, तो वही बता सकते हैं उसने आने पर। अच्छा, आपके पति कहाँ गए थे जब? सब्जी लेने बाजार गए थे। किस बाजार में गए थे? अमरगढ़ गए थे, अमरगढ़ से वापस आ रहे थे। आपके घर से कितनी दूरी की घटना है? 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर। तो कितनी गोली लगी है आपके पति को? अभी तो हम देखे नहीं है, दो गोली सब लोग बता रहे हैं, 5 गोली स्कूटी पे लगी है। पांच गोली स्कूटी में लगी है। दो लगी है, 3 लगी है, कौन दो देखे नहीं है। अमरगढ़ से हमको सब लोग घर वापस ले आया, अमरगढ़ गए सब लोग देख लिया, वहाँ से रिफर गए कर दिए जब हम पहुँचे तो। क्या आपके पति पे जो हमला हुआ है यह चुनावी रंजिश है? कन्फर्म चुनावी रंजिश ही होगी, तभी से रंजिश चल रही है। अच्छा, चुनाव के समय से ही रंजिश चल रही थी। तो आपके पति कोई चुनाव लड़े थे क्या? नहीं। हाँ, कौन लड़ा था? गांव के एक हैं प्रधान, दिए वही लड़े थे। अच्छा, प्रधान ही चुनावी रंजिश में गोली चली थी, अब पता नहीं किसकी गोली से दूसरे पक्ष का एक यादव का लड़का एक्सपायर कर दिया, वही रंजिश चल रही है जी। अच्छा, आपके पति सुनने में आ रहा है कि जो हमला किए हैं उनको पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं, अब होश आने के बाद बताएंगे। अच्छा, अभी आप लोगों को नहीं बताया है? अच्छा, कहाँ पे आपके पति इस समय हैं? अमरगढ़ से प्रतापगढ़ रेफर किए, प्रतापगढ़ से जो है वहाँ इलाहाबाद राज नर्सिंग होम जी। धन्यवाद। प्रतापगढ़ से टॉप न्यूज संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट।